इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने रियलमी के फ़ोन्स में बैकअप एंड रिस्टोर सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं, बैकअप को कैसे ले सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर आपको मिलती है एडिशनल सेटिंग्स, तो एडिशनल सेटिंग्स को खोल लेना है। जैसे एडिशनल सेटिंग्स को खोलेंगे, यहाँ पर आपको नीचे जाना होगा। नीचे यहाँ पर आपको बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर बैकअप एंड रिस्टोर की सबसे ऊपर ही आपको सेटिंग्स मिलेगी, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर लोडिंग होगी और यहाँ पर आपको बैकअप लेने के लिए क्रिएट न्यू बैकअप पर क्लिक करना होगा। और लेने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट डेटा का ऑप्शन आएगा बैकअप के लिए, तो यहाँ पर जितना भी आप डेटा बैकअप लेना चाहें उन पर टिक लगाकर यहाँ पर स्टार्ट बैकअप पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो है बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। इसमें से कुछ नहीं चाहिए आपको तो उस पर अनटिक कर दीजिए। अनटिक करने के बाद बैकअप लीजिए और फिर जो आपका ये बैकअप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो जगह मिलती हैं, आपकी चिप की जगह और एक्सटर्नल स्टोरेज की जगह, तो दोनों में से कोई से में भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।